हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है द फाइट। इसके अंदर हम दो बच्चे रजनी और एक पंजाबी बॉय जिसका नाम है सूरज, उसके बीच की फाइट के बारे में देखने वाले हैं और कैसे उनकी फाइट रिजॉल्व होती है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करें। तो कहानी शुरू होती है रजनी से। रजनी राजपुर के अंदर रिसेंटली आया था। राजपुर के अंदर बहुत सारे पहाड़ थे और जंगल भी थे, तो रजनी इधर उधर अकेले घूमा करता था। बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी उस टाइम के ऊपर। ऐसे ही घूमते घूमते उसे एक दिन एक पूल मिलता है। वो जब उस पूल की तरफ देखता है तो उसका पानी बहुत ज़्यादा साफ होता है और बहुत सारे उसके आसपास पूल के पत्थर भी पड़े हुए होते हैं। मॉनसून के टाइम पर उस पूल के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी के अंदर वाटर आता था, लेकिन समर के टाइम पर बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली उसके अंदर वाटर फ्लो करा करता था। तो जो रजनी था उसको याद आ जाता है कि जो राजपूताना डेजर्ट था उसके जो पूल्स थे उनकी तरह ये ड्राई अप नहीं होता, ये सूखा नहीं होता, ये हमेशा इसके अंदर पानी फ्लो करता रहता है। रजनी डिसाइड करता है कि मैं इस पूल के अंदर स्विम करके देखता हूँ, मैं इस पूल के अंदर कूद जाता हूँ। रजनी उस पूल के अंदर कूद जाता है और बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। वो ऊपर से धूप आ रही होती है और नीचे पानी ठंडा ठंडा होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इस मोमेंट को इंजॉय कर रहा होता है। थोड़ी देर में वो आकर लेट जाता है एक रॉक के ऊपर रिलैक्स करने के लिए। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी तरफ एक लड़का घूर रहा है। वो जो लड़का था वो थोड़ा सा रजनी से ज़्यादा एज का था और वो उसको बहुत बुरी तरीके से घूर रहा था, जैसे वो रजनी को मारने वाला है। और जो जिस तरीके से वो रजनी की तरफ देख रहा था उस तरीके से ऐसा लग रहा था कि वो जो लड़का है वो शायद इस पूल को ओन करता है, मतलब कि वो इस पूल का शायद मालिक है। और वो रजनी से इस तरीके से पूछने चाह रहा है, मतलब इस लुक से, इस टाइप का वो उसे लुक दे रहा था रजनी को कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये मेरा पूल है। तो रजनी जब उस लड़के के पास जाता है, वो लड़का उसको बुलाता है उस पूल के पास, लेकिन वो जो लड़का होता है उसका नाम होता है सूरज। वो एक पंजाबी लड़का होता है, बहुत अच्छी उसकी बॉडी होती है, बहुत हट्टा कट्टा होता है। वो रजनी से पूछता है कि ओए क्या कर रहा है यहाँ पर। तो रजनी बोलता है कि देखो यार, यारी दोस्ती से इन सब चीज़ों को निपटा लेते हैं। लेकिन वो जो लड़का होता है वो फिर भी नहीं मानता सूरज। सूरज फिर दोबारा उसको हॉस्टाइल मैनर में पूछता है, हॉस्टाइल मतलब गुस्से से और बुरी तरीके से पूछता है कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, ये मेरा पूल है और मैं किसी भी गाँव वाले को यहाँ पर नहीं आने देता। तो रजनी जो होता है, रजनी उसको बोलता है कि मैं कोई गाँव वाला नहीं हूँ, मैं राजपूत हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या। तो वो जो लड़का होता है वो काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें भी बोलता रहता है रजनी को, जिससे कि वो डर कर उस पूल के पास से भाग जाए। लेकिन रजनी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है माइंड से भी, और बहुत ज़्यादा वैसे भी स्ट्रांग होता है, लेकिन वो भागना नहीं चाहता था अपनी डिफ़िकल्टीज से। तो वो डिसाइड करता है कि मैं भागूंगा तो नहीं, चाहिए लड़का मेरे साथ कुछ भी कर ले। वो जो पंजाबी बॉय होता है सूरज, वो उसको बोलता है ओए लड़के भाग जाए यहाँ से, नहीं तो मैं तेरी पिटाई करने वाला हूँ। रजनी जब ये बात सुन लेता है तो रजनी बोलता है कि ठीक है, मैं भी राजपूत हूँ, मैं भी कहीं पर नहीं भागने वाला, आ जाओ अगर तुम मेरे को मार सकते हो। तो वो लड़का बोलता है हाँ मैं भी पंजाबी पुत्र हूँ, उर अब मैं तेरे को मारूंगा देख। तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं और दोनों के बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ घूरते हैं और जो पंजाबी लड़का होता है वो इतनी जोर से रजनी के फेस पे चाटा मारता है कि रजनी का पूरा गाल ही रेड कलर का हो जाता है। उसके जो फिंगर्स होते हैं उस लड़के के, पंजाबी बॉय के, वो रजनी के गाल पर छप जाते हैं। रजनी को एकदम से चक्कर आने लग जाते हैं, इतनी तेज उसने स्लैप मारा हुआ होता है रजनी। लेकिन फिर अपने मुक्के से उसके ऊपर कसकर अटैक करता है उस लड़के के फेस पर, और उस लड़के के भी चोट लग जाती है। दोनों ऐसे लड़ते लड़ते पानी के अंदर भी गिर जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बुरी तरीके से लड़ने लग जाते हैं। 5 मिनट के बाद दोनों ही बहुत बुरी तरीके से थक जाते हैं और एक दूसरे से थोड़े डिस्टेंस पर खड़े होकर बहुत प्राउडली ये फील करते हैं कि हाँ हमने हार नहीं मानी, हम भी राजपूत हैं। उस रजनी को लगता है कि मैं भी राजपूत हूँ और सूरज को लगता है हाँ मैं भी पंजाबी बॉय हूँ, मैंने भी किसी से हार नहीं मानी। वो दोनों डिसाइड करते हैं और एक प्रॉपर डिसीजन पे आते हैं कि अब हम लोग अगले दिन लड़ाई को कंटिन्यू करेंगे।
और दोनों जंगल से अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। जब वो घर पर पहुंचता है तो जो उसकी इंजरीज होती हैं रजनी की, वो इतनी ज़्यादा इंजरीज होती हैं कि वो उनको छुपा नहीं पाता। तो उसकी मदर पूछती हैं कि क्या बात हो गई बेटा, कहाँ से चोट लगी है तुम्हें? तो और उसकी मदर उसको ये भी बोलती है कि अब तू कहीं नहीं जाएगा बाहर खेलने वेलने, अब तू घर में ही रहेगा। रजनी अपनी माँ को वैसे क्लियरली बताता नहीं है कि उसको कहाँ से चोट लगी होती है। शाम के समय रजनी चुपचाप बाजार के अंदर निकल जाता है। वहाँ पर वो थोड़ा सा लेमनेड लेता है, नींबू पानी लेता है और जलेबियाँ खरीदता है। तभी वो देखता है कि वो पंजाबी बॉय भी उसी बाजार वाली रोड पर आ रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ गुस्से की नजर से घूरने लग जाते हैं। रजनी जैसे तैसे कर जब अगला दिन होता है तो वो डिसाइड करता है कि चलो यार अब लड़ाई मैंने एक्सेप्ट करी है, अब जब मैं लड़ाई के अंदर उतर ही चुका हूं तो अब मैं वापस नहीं जा सकता, और वो चले जाता है। रजनी काफी वीक फील कर रहा होता है, उसको अंदर से स्ट्रांग नहीं फील हो रहा होता, और उसको ये भी पता होता है कि जो वो पंजाबी बॉय होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और आज फिर दोबारा रजनी की वो पिटाई करने वाला है। तो ये सारी चीजें रजनी सोचता है, और वो ये भी सोचता है अपने माइंड के अंदर कि मैं कैसे एक चैलेंज को रिफ्यूज कर सकता हूं, मैं भागने वालों में से तो नहीं हूं। तो वो क्या करता है, वो पहुंच जाता है पूल के साइड से लड़ने के लिए। लेकिन वो ये देखता है जो पंजाबी बॉय होता है वो दूसरी साइड पे खड़ा होता है पूल के, और वो रजनी को शाउट करता है कि आ जा ओए रजनी, आ जा मैं तेरे को बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। तो रजनी जो होता है, रजनी बोलता है कि नहीं मैं तो नहीं आ रहा तेरी साइड, तू आ मेरी साइड। तो वो जो लड़का होता पंजाबी, वो उसकी तरफ मजाक उड़ाते हुए बोलता है क्यों, तैरना नहीं आता क्या तेरे को, जो तू यहां तक नहीं आ पाएगा मेरे पास। रजनी तभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सीधे पानी के अंदर डाइव करता है, और वो डाइव करते करते स्विम करते करते दूसरी साइड पर पहुंचता है। ये जब रजनी डाइव कर रहा होता है, जब स्विम कर रहा होता है, तो उसको स्विम करते हुए पंजाबी बॉय देखता है और बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। उस पंजाबी बॉय का नाम सूरज था, अगर आपको याद हो तो, बार बार मैं पंजाबी बॉय बोल रहा हूँ। तो जो सूरज था, सूरज काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो रजनी से बोलता है कि अरे तुम इतना अच्छा कैसे तैर लेते हो, इतना अच्छा कैसे डाइव कर लेते हो। और वो रजनी को पूछता है क्या तुम मेरे को भी तैरना सिखाओगे। रजनी फिर उसको बोलता है कि हाँ ठीक है यार, मैं तुम्हें तैरना भी सिखा देता हूँ। तो रजनी उसको तैरना सिखा देता है, और जो पंजाबी बॉय होता है वो अपनी बैली मतलब अपने पेट के साथ एकदम से पानी के अंदर कूद जाता है, जिससे इतनी तेज नॉइज होती है कि जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो भाग जाती हैं ट्रीज से। उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि वो जो पंजाबी बॉय था काफ़ी हट्टा गट्टा और मोटा था, तो इस वजह से वो सारी बर्ड्स भाग जाती हैं वहाँ से। ये सारी चीज़ देखकर रजनी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। उसको ये लगता है कि अरे इसको तो बिल्कुल भी तैरना नहीं आता है, तो बहुत ही नौसिखिया है। रजनी उसको सिखाता है कि कैसे तैरा जाता है, सारी चीज़ें उसको समझाता है। बार बार वो उसको डाइव करके दिखाता है कि वो किस तरीके से तैर रहा था, और उसको भी बोलता है कि इस तरीके से तैरो, और उसकी मिस्टेक्स भी बताता है। दोनों एक दूसरे से एग्री करते हैं कि पंजाबी बॉय बोलता है, सूरज बोलता है कि हाँ ठीक है तुम मेरे को तैरना सिखा दो रजनी रोज। तो रजनी बोलता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तैरना भी सिखा दूंगा। पंजाबी बॉय बोलता है कि जब तुमने कल मेरे से मार खाई थी तो क्या मैं तुम्हें ताकतवर लगा या नहीं लगा? रजनी बोलता है हाँ हाँ भाई तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, और तुम तो असली पहलवानों की तरह लड़ाई करते हो, और तुम असली पहलवान हो। तो सूरज बोलता है हाँ हाँ वो तो है ही, मैं तो हूं ही पहलवान, और मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेसलर बनना चाहता हूँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैंपियन बनना चाहता हूँ। रजनी बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है तुम सबसे बड़े चैंपियन तो बन ही जाओगे, तुम इतने स्ट्रांग हो तो। और वो जो सूरज लड़का होता है, जो पंजाबी बॉय होता है, वो रजनी की तरफ देखकर बोलता है हाँ हाँ रजनी वैसे तुम भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, और लेकिन तुम्हारी जो शरीर है ना उसके अंदर मास कम है और हड्डियाँ ज़्यादा है, तुम्हें ना तुम्हारी बॉडी के अंदर हड्डी ज़्यादा है। और वो रजनी को ये भी बोलता है कि आज मेरे घर पर खाना बनेगा, तो तुम मेरे घर पर खाना खाने भी आ जाना। सूरज रजनी को एक और डील प्रपोज करता है, उसको एक और चीज़ बताता है। वो ये भी बोलता है कि चलो ठीक है तुम मेरे को स्विमिंग तो सिखाओगे, मेरे को डाइविंग करना सिखाओगे, मैं तुम्हें पहलवान बनना सिखाऊंगा। तो सूरज रजनी को बोलता है कि मैं तुम्हें पहलवान बनना सिखाऊंगा, और रजनी सूरज को तैरना सिखाएगा। तो इस चीज़ को लेकर दोनों एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, और दोनों लास्ट में डिसाइड करते हैं कि ये जो पूल है ये हमारा पूल है, और अब यहाँ पर कोई भी हमारी परमिशन के बिना नहीं आएगा, और अगर कोई आएगा भी तो उसको हम दोनों देख लेंगे, क्योंकि अब हम दोनों दोस्त बन चुके हैं। तो यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। कैसे दुश्मनी से दोस्ती होती है इन दोनों के बीच में, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और थोड़ा सा फनी इंसिडेंट्स भी हुए हैं स्टोरी के अंदर।
तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी। और एक और चीज कि स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और मन्नू से ज्ञान लेते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।